he was roasting chicken in the oven while she was kneading the dough so there are two things happening simultaneously agar yahan pe agar aap had roasted had roasted agar aap use karte hain aur ya agar kneaded use karte to yahi he had roasted chicken in the oven while तो यहाँ पर दो चीजें simultaneously नहीं हो रही है इसके लिए यहाँ पर ये यह हमारा नहीं आएगा वाइल हम जब भी यूज करते हैं जब हमको कोई चीज बताना है कि दो चीजें साथ में हो रही थी वेन वी यूज हैट इसका मतलब है कि आपने पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया विच इज नॉट दिचुएशन तो यहाँ पर शी वॉज स्ली तो करेक्ट है अलार्म क्लॉक हैड गॉन ऑफ ओ वैट मीनो दूसरे का सी ओके okay. I don't know why nobody is saying B. Actually, she was sleeping when a alarm clock went gone off or went off. Gone off तो नहीं होगा. Let me tell you. B gone off नहीं होगा. यहाँ पर gone अगर लगा होता है, तो how will you identify? I have told you earlier. यहाँ पर अगर had होता, तो आप had gone off use कर सकते थे. लेकिन वो had नहीं है. तो B तो नहीं हो. It is out of the <laughs> under out of these.

देखो यहां पर आप लोग सोच रहे हैड गॉन ऑफ आएगा जब कोई चीज पिछली बार बता नहीं वो सो रही थी रिमेंबर फॉर सिंस ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे एक सिचुएशन दिया गया है कि तो इसके बाद हमारा ये आएगा वेंट ऑफ तो इसका ए आएगा टू का ए आएगा आई होप दैट आंसर्स एंड यू आर सेटिस्फाइड विद एक्सप्लेनेशन वेंट ऑफ प्रतिभा एक्चुअली यस yes. आइडेंटिफाई कैसे करना है वो पता है लाइक आई टोलियो बुशरा के रिमेंबर यहाँ पर अगर आपको हैड गॉन ऑफ यूज करना है तो यहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब वैन बाय द टाइम शी केम या आपको एक सेंटेंस में बनाता हूँ कि मतलब हर अलार्म क्लॉक हैड गॉन ऑफ एंड इट वॉज इट वॉज स्टिल रिंगिंग फॉर फोर आवर्स या टेन मिनट्स आप ये बोल सकते हैं कि दस मिनट तक बज ही रहा था तो वहाँ पे आपको एक सिचुएशन बताना है एक काम हो चुका है और फिर बाद में आपको ड्यूरेशन बताना है हम यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहे हैं शी वन शी व स्लीपिंग तो यहाँ पर ये बात हो गई कि शी व स्लीपिंग वेन अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ वो सो ही रहती जब उसका अलार्म क्लॉक बजा या जब वो सो रही थी सो वन शी वॉर स्लीपिंग यहाँ पर हमने एक ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने देर से सो रही थी या अलार्म क्लॉक बजना कितने देर तक बजता रहा इसके लिए द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आई होप डेट आंसर्स ओके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इफ यू हैव क्वेश्चन देन डू लेट मी नो दिस इज द ओके फर्स्ट विल गो विद दिस आई थिंक दिस इज देवर मेकिंग ओरिगामी गैमी द बेबी सिटर हैलिंग called them to dinner fourth steve was watching movie before was watching had been watching had been watching watched a movie before allison was coming came come and and let me know And I'll tell you, this is a similar situation here. So don't get confused. Here, you are also getting a situation they were making origami when the babysitter. So I, actually, I gave you the answer. But let me be precise that you need to ensure, whenever you are picking up an answer from the MCQ, you are thinking about the context. So when you comprehend and read the entire sentence and understand the context and then you put an MCQ and judge whether that fits or not, it'll help you a lot. Okay. Was calling? Okay. B, C. Okay. B, B and C. Okay. B and C B. They were making origami when their babysitter. तीसरे का सी ओके okay, तीसरे का सी शाहन ओके okay, तीसरे का बी वॉज कॉलिंग नो 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 ठीक है मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज़ को समझिए वर मेकिंग ऑरिगेमी वन दे बेबी सिटर डॉट 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 देम टू डिनर क्या कर रहे थे वो वो ऑरिगैमी बना रहे थे और उसी वक्त उनके जो बेबी सिटर बेबी सिटर जो बच्चा संभालती है दाई माँ so तो कॉल देम टू डिनर उनको खाने के लिए बुलाया नाउ यहाँ पर वो कॉलिंग बुला रही थी वो लोग क्या कर रहे हैं एक सिचुएशन आपको पता है कि पिछली बार भी सिचुएशन में यही हुआ था यहाँ के सिचुएशन में अगर आप देखेंगे वो सो रही थी जब उसका अलार्म क्लॉक बजा अच्छा जाग भी अलार्म क्लॉक बजा जागते हुए भी बज सकता है क्या नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सिचुएशन बता रहा बताया जा रहा है कि मतलब अलार्म क्लॉक बजा जब वो सो रही थी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि उनके बेबी सीटर ने उनको बुलाया डिनर पे जब वो लोग और बना रहे थे तो यहाँ पर Was call, बुला रहे थे ऐसा नहीं होगा उनको बुलाया एक सिचुएशन बताया गया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कॉल्ड आएगा वन द बेबी सिट कॉल्ड देम तो इस चीज़ को समझिए कि सिचुएशन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कोई भी चीज़ परफेक्ट वाली नहीं यूज़ करनी है आपको क्योंकि पहले भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ परफेक्ट का नहीं दिया गया है तो आप यहां पर जो है सिंपल प्रेजेंटेंस सिंपल इन्होंने और उस वक्त उनके दाई ने बुलाया उनको खाने के लिए बुला रही थी खाने के लिए ऐसा नहीं है ये वहां पर कुछ सिचुएशन वाइल वाला होता तो हम लोग बना सकते थे कि दे वर, दे वर जैसे कि आप इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे यहां पर देखिए ही वॉज रोस्टिंग चिकन इन द ओवन वाइल शी वॉज नीडिंग डो तो यहां पर दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है तो यहां भी आपका हो गया आई एन जी वाला गया, यहां भी आई एन जी वाला हो गया टू डिनोट कोई चीज काम चल रहा है यहां पर काम को चल नहीं रहा था देर वॉज ए स्टेट शी वॉज इन अग स्टेट कोई यहां पर एक्शन नहीं हो रहा था बस खाली शी वॉज अग ऐसा था यहां पर देर वर टू थिंग्स है इसीलिए यहां पर जो हम लोगों ने ये वाला यूज किया यहां पर सेम सिचुएशन इज वो लोग बना रहे थे लेकिन नहीं आ dinner, नहीं, dinner, उनको बुलाया सेम सिचुएशन जैसे कि पिछले वाला था अब यहां पर अगर आप देखेंगे स्टीव वॉज वॉचिंग a movie before Allison came, let me know what is the answer. फोर का सी ओके सो स्टीव हैड बीन वाचिंग अ मूवी बिफोर एलिसन केम इन ओके सी फोर का सी अच्छा बुशरा बुशरा थैंक यू सर उर्दू में समझाएं यो वेलकम सबा और का डी डी स्टीव वॉज अ मूवी ओके सम पीपल कुछ लोगों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट अ मूवी बिफोर एलिसन केमिंग और यहां पे भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे ना इसका कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें से कौन सा पिक करना है ओके okay, सुमेरा सी सलमान डी ओके okay, ए ए ओके आई आई टेल यू द आंसर बिकॉज वी हैव इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम स्टीव क्या कर रहा था हैड बीन वाचिंग अ मूवी अब यहाँ पे देखो हैड बीन हम लोग कब यूज करते हैं स्टीव हैड बीन और वो भी यहाँ पे कैसा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज हुआ है। तो एलिसन क्या बिफोर एलिसन केम इन एलिसन के आने से पहले वो मूवी देख रहा था अब ये सब चीजों को आप लगा स्टीव वाज वाचिंग अ मूवी स्टीव वाज वाचिंग अ मूवी बिफोर एलिसन एलिसन के आने से पहले वो मूवी देख रहा था नहीं तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बतानी है कि किसी के आने से पहले कोई काम पहले से चल रहा था तो आप ये बोलेंगे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी बिफोर एलिसन केम इन अब हैड बीन वॉचिंग वॉज कमिंग इन ये तो नहीं आएगा स्टीव वॉज वॉचिंग बिफोर एलिसन केम इन ये भी नहीं आएगा हैड बिन आएगा वॉच स्टीव वॉच द मूवी बिफोर एलिसन केम इन ये तो ऐसा हो गया कि उसने देखा एलिसन के आने से पहले हैड बिन वॉचिंग अभी मतलब पहले से वो मूवी देख रहा था एलिसन के आने से पहले तो ये एक स्टेट बताना है सामने वाले का कि इसमें काम कर रहा था और वही स्टेट को कंटिन्यू एंड और दूसरा कॉन्टेक्ट बताया गया बिफोर एलिसिन के मेन अलिसिन के आने से पहले पास्ट यहाँ पे देखो हैड बिन वॉचिंग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कहीं नहीं आएगा नो फरजाना पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये फरजाना Yes, actually, you got the point. Yes, so this is actually a C answer or boss. C see maybe Humera. Yes, C. Rosmin. C. yes, Ansari say, okay, say, yes, C. yes. Okay, I think you got the point. Now I'll move to the next one. My sister had looked.

ओके okay. नगमा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हमको क्लोज ही रखना है आंसर्स ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे लेकिन जब आप कोई सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा सही आंसर क्या आप जब टेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी यही होता है कि इतना भी डिफरेंट या इतना भी रॉन्ग आंसर्स नहीं दे देते तीन रॉन्ग आंसर देंगे और एक सही आंसर देंगे ऐसा नहीं होता है दे पुट वेरी रिलेटिव आंसर्स और ऐसा लगता है कि मतलब ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तब पता चलेगा कि नहीं ये तीनों नहीं आएंगे भले ही अगर थोड़ा सा सेंटेंस सही भी बनने लगे लेकिन वो सही नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद आपका आंसर चेंज होगा और दैट इज़ वॉट इज हैपनिंग हियर कामरान कामरान आई टेल यू बी इसके लिए नहीं होगा वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने एक आगे कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है कि दो महीने तक जॉब ढूंढ रही थी एम्प्लॉयड मतलब यानी कि दो महीने से जॉब ढूंढ रही थी तब जाके उसको जो है एक एम्प्लॉयर मिला जो उसने उसको हायर किया तो कोई चीज मतलब कोई चीज कंटिन्यूस थी देख रही थी उसके बारे में पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा कि कोई काम आपको बताना कि ड्यूरेशन से चल रहा था तो वही यहाँ पे बताया माई सिस्टर हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब ंग फॉर अब फॉर टू मंथ दो महीने से जॉब देख रहे थे तो यहां पर आपको जो है ड्यूरेशन भी बता दिया गया तो जब भी ऐसा कोई ड्यूरेशन बता दिया जाए कोई काम बता दिया जाए कि जो काम महीने महीने से तीन से चल रहा था हम लोग परफेक्ट का यूज करते हैं पास परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं यस yes, नगमा यस इट शुड बी आई नो दैट देर इज मिस्टेक इन द क्वेश्चन यस तो मैंने आ, पहले ही बोल दिया that's a mistake from our side. we apologize. so i'll move on to the next one. oh, wow, how i wish it, dot dot, dot. so windy. so the next one and uh, the another one, I'll, I'll give you the both so that we have more time for the articles. the children, dot dot dot, the movie went, When suddenly the light went out, or was going, went out, or went gone. Let me know. अच्छा सब अगर आपको ये notes नहीं मिले हैं तो I'll ask sir to give you in that forum. और आपको मिल जाएगा इनशाला आज ये भी पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेट मी नो ये इफ यू गिव मी देन देना लेट यू नो सिक्स का बी ओके सिक्स का बी सेवन का बी ओके ओके मोस्ट ऑफ पीपल सिक्स का शाहन खान करेक्ट ये, सिक्स का ए आएगा पीपल अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट अब बाहर जाने के बाद पता चलता है आपको बारिश हो रही है ओके okay? यहाँ पर तो हवाएं चल रही थी ये सब ठीक है बाहर जाने के बाद अरे यार काश के मुझे पता होता कि बारिश नहीं हो रही होती नहीं हो रही होती मतलब कोई चीज हो रही है और फिर आपने बोला कि नहीं हो रही होती है नहीं ऐसा हुआ होता तो कोई चीज आपको बताना है तो इट आई विश ओ हाव आई विश इट वज सो विंडी काश के इतना विंडी नहीं होता अचुएशन हैज है आ पड़ी है मुसीबत तो काश के ऐसा नहीं हुआ होता इट इज सो विंडी ऐसा नहीं होगा तो वो कॉन्टेक्स को समझिए ओके नाउ आइल गो फॉर दिस वन द चिल्ड्रन लेट मी नो विच वन यू थिंक सेवन का भी सेवन का सेवन का बी सेवन का डी ओके आई ये गलत है डी इज रॉन्ग ओके ही ना सेवन का बी तकी ओके ओके यू वाट इट The children were watching the movie when suddenly the light went out. So I... I feel now most of the people are getting the correct answers. You guys, you guys have become pro now. Mashallah. So, here. I'll put it this way. Maria at that school from 2006 to 2010. And the 9-1, she... Madrid, when she had been young, or whatever you think the answer is. People fast, this is very easy answer. Nagma, I, I completely understand these are tricky ones, but remember your exams are not gonna be very easy one. They, they are gonna be the tricky one. Oh, agar a tricky you wouldn't have seen so many people appearing for those exams. So they are made in such a way that it becomes आंसर्स बिकम वेरी सिमिलर टू इच अदर बट दैट इज नॉट दस सो दिस इज हाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा सा आप जो है ना वो अपना जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज को अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ओके एट का ए नाइन का डी एट का ए नो 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 दैट रॉन्ग एट का बीज स्टडीड ओके एट का सी नो नो सी इज नॉट ओके आल टेल यू वाई बी इज़ दी आंसर देखो यहाँ पर हम लोग कभी भी पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं यहाँ ये ये प्रेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया मारिया हैज़ स्टडीड एट द स्कूल फ्रॉम 2016 टू 2010 नहीं आएगा क्यों क्योंकि अपना ये पास्ट में हो गया लेकिन मारिया वाज स्टडीड एट द स्कूल वाज स्टडीड कभी नहीं आता है यहाँ पर हो गया कि मारिया स्टडीड एट दैट स्कूल फ्रॉम टू थाउजेंडी टू थाउजेंड टू टू 2006 से 2010 तक वहां पे पढ़ाई की उसने तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आप बताइए कि क्या रॉन्ग है ओके आई टेल यू द आंसर मारिया स्टडीड एट दैट स्कूल फ्रॉम 2016 थाउजेंड टू टू वाज स्टडीड कभी नहीं आएगा हैज़ स्टडीड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर इन द पास्ट टेंस अच्छा ऐसा ये भी नहीं है कि मतलब दो से दो तक उसने पढ़ाई की अगर आपको दो तक पढ़ाई की है तो आप ये बोल सकते हैंज़ स्टडीड लेकिन यहाँ पर हम लोग पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे स्टडीड और अगर आपको बताना हो कि मतलब शी स्टडीड और आगे कोई और सेंटेंस भी लगाना है तो आप जो है वहाँ पर हैड लगा करके पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बना सकते थे आप सेंटेंस यहाँ पे ठीक है तो स्टडीड नाउ शी हैड विजिटेड शी हैड विजिटेड मैड्रिड व्हेन शी वाज यंग नौ no, का एक किसी ने नहीं लिखा ओके नगमा यू आर करेक्ट एक और ऑप्शन पठान यू आर थिंकिंग यहाँ पे एक हैड स्टडीड होना चाहिए था आई कंप्लीटली अग्री विथ यू लेकिन इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ये रहा तो आपका आंसर ये भी सही हो जाएगा बट मोस्ट प्रोबेबली पीपल इन दैट केस यूज हैड बीन योर शी हैड स्टडीड शी हैड विजिटेड Madrid वेन शी वॉज यंग वॉज विजिटिंग नहीं आएगा हैड विजिटेड और ये हैड बिन शी हैड बिन यंग ये नहीं आएगा कभी भी हैड बिन आपको ये यूज नहीं कर सकते उसके साथ मतलब किसी के एडजेक्टिव के साथ आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते सो यूल she हैड विजिटेड मैड्रीड वेन शी वॉज यंग सो ए इज़ द करेक्ट आंसर आई बहुत कम लोगों ने ए यूज़ किया है आई डोंट नो वेयर द कन्फ्यूजन वॉज बट विल ट्राई टू क्लियर इन द नेक्स्ट वन